लीनियर इक्वेशन के हम कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इन टू वेरिएबल्स के? सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इफ वी हैव लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सर सर इसके अपोजिट ट्रांसवर्सल लाइन, जो दो लाइन रहती है उनको एक लाइन काट के जाती है बीच में से एक। वो दो लाइन कैसी रहती है? वन इज मिस्टर एंड अनदर वन इज, ओके सो टुडे आई टेक द रिवाइवर ऑफ मैथमेटिक्स, द टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड अनदर टॉपिक इज यूक्लिड ज्योमेट्री। ओके सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू दीपक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? ax plus by plus c is equal to 0। व्हाट आर a b एंड c? अभी आपने बताया ax plus by plus c equals to 0, यहां पर a b और c क्या होते हैं बेटा? a b and c are the constant। ओके अगला मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि लीनियर इक्वेशन के हम कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इन टू वेरिएबल्स के? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इफ वी हैव लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यदि हमारे पास में कोई लीनियर इक्वेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं हम? यदि एक वेरिएबल है तो एक में तो इनफाइनाइट नहीं निकलेंगे, यदि एक वेरिएबल है बेटा कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। एक वेरिएबल है तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, दो वेरिएबल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बिकॉज द सेकंड वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट वेरिएबल। अगला बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इससे आपको कोई चीज़ मिलती है, बताएंगे क्या चीज़ मिलती है आपको? क्या मिलता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से? क्या मिलता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से? हमें ग्राफ पे पॉइंट मिलता है, हमें पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, पॉइंट नहीं मिलते हैं, कुछ और मिलता है सर, ए बी और सी। ए बी और सी नहीं, देखिए लीनियर इक्वेशन इन यदि वन वेरिएबल है सो उससे हमें पॉइंट्स मिलते हैं ग्राफ के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कुछ और मिलता है टू वेरिएबल से, और कुछ मिलता है, क्या मिलता है? ग्राफ के ऊपर ही मिलता है स्ट्रेट लाइन मिलती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। अच्छा अगला है बेटा आपके लिए, अगला क्वेश्चन है यूक्लिड से रिलेटेड ले लेते हैं, जो ये इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड कौन थे बेटा? मैथमेटिशियन थे, एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कुछ डेफिनेशन दी है बेटा, इन्होंने लाइन की एक डेफिनेशन दी, आप बताएंगे क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन? इसको आप यदि मैं एलिबरेट करने के लिए बोलूँ तो क्या बोलेंगे आप, हिंदी में बता दीजिए। जिसके एंड पॉइंट नहीं होती, जिसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होती है, जिसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होती है, ब्रेथ नहीं होती हो बेटा। इन्होंने और भी काफ़ी सारी डेफिनेशन दी है, उसमें एक डेफिनेशन है सरफेस की, क्या होता है सरफेस? एक सरफेस वो होती है जिसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। प्लेन सरफेस क्या होता है बेटा? प्लेन सरफेस भी वही होता है जिसकी एक लंबाई और चौड़ाई हो, ये तो सरफेस के पार्ट में, मतलब अपने आप में लाइंस से जो मिलकर बना हो, जो लाइंस इवनली लाइंस से मिलकर बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस बोलते हैं। बेटा यूक्लिड के कोई दो एग्जियम्स बताइए आप मुझे। सर इफ इक्वल्स टू एडेड इक्वल्स देन द रिमाइंडर आर इक्वल, इफ द इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर आर इक्वल। ओके रिमेनिंग आर इक्वल या रिमाइंडर भी बोल सकते हैं। बेटा आप कोई इसके अलावा कोई दो एग्जियम्स बताइए यूक्लिड के। सर थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ओके नाइस। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अच्छा एक अब मैंने आपसे एग्जाम पूछ लिया, लेकिन ये एग्जियम्स क्या होते हैं? सर ये assumptions होते हैं, मतलब जिनको माना जाता है कि ये सही है, ये माना जाता है कि ये सही है। चलिए अगला बेटा हमारा टॉपिक आता है postulates, कोई एक postulate बताएंगे आप? सर a line can be drawn from any one point to any another point। एक लाइन बन सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, या एक लाइन को हम बहुत ज़्यादा दूसरे पॉइंट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई एक और पोस्टुलेट आप बताएंगे? टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। हाँ यही जो अभी मैंने आपको बताया, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड टू इनफाइनाइटली।
चलिए, काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों का वाइवा, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। तो वाइवा में अब हमारे साथ में तीन स्टूडेंट है हमारी क्लास के, खुशबू चौधरी, हीरामणि मंडलोई, हेमंत पटेल। बेटा क्या है आप लोगों का टॉपिक? लाइंस एंड एंगल्स। ओके खुशबू, आपके लिए पहला सवाल, लाइंस क्या होती है बेटा? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ विद हैव नो एंड पॉइंट्स, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट, फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। रे क्या होती है? रे इज अ लाइन इज अ वन पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? हम रे बोलते हैं। ओके आप बताइए बेटा अगला, एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल इज मेजर्ड बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल व्हिच इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। आप मेरे को बताइए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल इज एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। अच्छा आपने बेटा एक वर्ड सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? सर जो 90 डिग्री द टू एंगल सम The sum of two angles is 90 degree, then it is said to be complementary angle. Supplementary क्या होता है बेटा? Supplementary क्या होता है? The sum of two angles is 180 degree, then the angle is said to be supplementary angle. यदि एक एंगल है हमारा 100 degree, तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 80 degree इज द सप्लीमेंट। ओके आपने एक टर्म पढ़ा होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्या होता है बेटा लीनियर पेयर ऑफ एंगल? द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। नहीं अभी हमने पढ़ा कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, तो उसको सप्लीमेंट्री, लीनियर में कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ बेटा आप बताएंगे लीनियर द सम ऑफ टू एडजस्टेंट एंगल इज 180 डिग्री इज सेट टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल। या हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक लाइन है उसके ऊपर एक रे बन रही है, तो जो वो रे है वो दो एंगल बना रही है, तो उन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बेटा कोलीनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलीनियर पॉइंट, व्हाट आर कोलीनियर पॉइंट? कोलीनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलीनियर पॉइंट द पॉइंट विच लाइज इन अ सिंगल लाइन, वो पॉइंट जो सारे के सारे सिंगल लाइन के अंदर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। और नॉन कोलिनियर बिखरे हुए इधर उधर उस पर्टिकुलर लाइन पर नहीं आते, ठीक है। अगला बेटा आप बताइए हमें, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन सर ट्रांसवर्सल लाइन जो दो लाइन रहती है उनको एक लाइन काट के जाती है बीच में से एक। वो दो लाइन कैसी रहती है? व्हेन द लाइन कट्स टू पैरेलल लाइन एट टू डिफरेंट पॉइंट इज सेड टू बी ट्रांसवर्सल लाइन। जब बेटा एक ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो वहां पर काफी टाइप्स की एंगल्स बनाती है। आप बताएंगे वो कौन कौन से एंगल बनाती है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लीनियर पे। अच्छा दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और उनके दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, कब होता है ऐसा? सर जब वो ट्रांसवर्सल के एक साइड, जब वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड प्रेजेंट हो। अच्छा यदि दो लाइन्स और एक लाइन उनको कट करते हुए जा रही है और दोनों के इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं उसका सम 180 डिग्री से कम है तो ये क्या शो करता है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? दो लाइन्स है और एक लाइन उनको कट कर रही है और जो अभी आपने बताया कि दोनों एंगल का सम 180 हो तो हम उनको क्या बोलते हैं? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यदि उनका सम 180 डिग्री से कम आए तो वो हमें आगे क्या शो कर रहा है? आर द लाइंस आर पैरेलल?
यदि सम उसका 180 डिग्री से छोटा है, दे विल इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, वो आगे किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए पैरेलल लाइंस क्या होती है सर? पैरेलल लाइंस क्या होती है? नहीं हाँ बता दीजिए। पैरेलल लाइंस जो आगे बढ़ती जाती है और एक दूसरे से नहीं टकराती। यस आप बता दिए। और उनके पैरेलल द लाइंस सर, जो लाइन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल जब होती है तब वो मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती किसी भी पॉइंट पे, और जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है वो हमें हर पॉइंट पे सेम होती है। द लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस आर इक्वल, इक्विडिस्टेंस या इक्वल एट एनी पॉइंट। ठीक है चलिए बेटा, बढ़िया रहा आपका वाइवा, जाइए।